Hello and welcome back to the channel The Himalayan Wanderlust. तो after a very long time मैं ये video बना रहा हूँ. तो आज का दिन जो होने वाला है वो है पेंगोंग लेक की तरफ. तो आज ये मंथ जो है वो अक्टूबर है और आज 17 अक्टूबर है. तो आज हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ. तो रास्ते के लिए मैंने ये चेन भी उठा लिया है. पता नहीं वहाँ का टेम्परेचर और वेदर कैसा होगा. बेसिकली जो पेंगोंग लेक है वो इस टाइम पे जिस टाइम पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल ही लोग कम आते हैं. बट अकॉर्डिंग टू अगर जून जुलाई के मौसम के अनुसार देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं. और ये फेमस हुआ था थ्री इडियट्स के बाद. पहले ये फेमस था सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट के लिए. अभी इंडियन टूरिस्ट भी वहाँ पे जाते हैं और बाइकर्स बहुत जाते हैं. और मेरा ऐसा हो चुका है कि मैं कभी ना कभी किसी न किसी जगह से हर साल वहाँ पे पहुँचता हूँ. मगर इस टेम्परेचर में अभी मेरा ये फर्स्ट टाइम होने वाला है. तो देखते हैं कितना टेम्परेचर है और रास्ते में क्या क्या कठिनाइयों और उसका सामना करना पड़ता है. तो अभी हम यहाँ पे फ्यूल डालेंगे फिर उसके बाद जर्नी फिर से कंटिन्यू करेंगे. तो अभी हम खारू मार्केट से निकल चुके हैं चांगला पास की तरफ. तो अभी हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में. अभी हमने जस्ट जिंगराल क्रॉस कर चुका था. तो अभी हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में. अभी रोड पे बर्फ़ पिघल के पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है ये देखो. और गाड़ियां लाइन में लगी हुई. जस्ट जिंगराल क्रॉस किया हुआ था. ये जो था ये जिंगराल है. पर इतना ट्रैफिक है और पूरा रोड भी बर्फ से ढका हुआ है जिस वजह से स्किड होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे गाड़ी स्किड हो रहा है बहुत बुरी तरह से स्किड हो रहा है. अभी ब्लैक आइस बन गया इसी वजह से दिख भी नहीं रहा है और स्लिप भी हो रहा है. तो देखते हैं कैसे जाता है. तो दिक्कत वाली बात हो गई. तो हमारे आगे एक इको जा रहा है जिसको बहुत दिक्कत हो रही है. क्या करें? ये स्कॉर्पियो भी स्लिप हो रहा है. अभी हमने यहाँ पे चेन भी लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे रास्ता और भी ख़राब होने वाला है. ये देखिए. और हम अभी मदद करने जा रहे हैं दूसरी गाड़ी का. And we are stuck again. बहुत गंदा फंसे हैं यार. अभी चेन ठीक से फिट हो गया.
पूरा रोड आर्मी कन्वाय की वजह से ब्लॉक हो चुका है, बहुत कन्वाय है इस वजह से, रोड में भी रोड भी पतला है, इस वजह से देखिए कितना मुश्किल हो रहा है। ऐसे जगहों पे चेन ले जाना बहुत ही मैंडेटरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे छोल तक भी क्रॉस कर लिया और साथ में दुर्बुक टांग से भी क्लोज कर चुके, मतलब आ चुके हैं वहाँ से। और अभी हम हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हम पहुँच रहे हैं। तो गर्मियों में तो ये पूरा हरा रहता है, अभी देखो एक अलग ही बेहतरीन सीन देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारे सामने जो इको जा रहा है, आप यकीन नहीं करोगे, उसमें एक छोटा सा बच्चा है, इंडियन टूरिस्ट का है, और वो इतने दूर से उन बच्चों को भी इस मौसम मिला है, वो क्या बोलना उसका, बहुत ही मतलब दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस जैसे इलाकों में। And finally we are arrived at our destination Pengong Tso. तो अभी हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग के जो सबसे फेमस जगह पे, जिसका जहां पे 3 Idiots शूटिंग की गई थी। तो अभी हम उधर ही पहुंचे, देखो जगह कुछ ऐसा है, और यहां पे बहुत सारा ठंड है। And now we have reached at Tangze Monastery. अभी हम पेंगोंग से वापस ले के लिए जा रहे हैं। तो ये एक दिन का ट्रिप था, गाड़ी को नीचे रख दिया है, अभी हम चलते हैं ऊपर मोनेस्ट्री पे। ये तेल और खतक्स जो कि ट्रेडिशनल स्कार्फ होता है, तो वह हम लेके मोनेस्ट्री पे चढ़ा के आते हैं। अभी हमें तो अभी हम मोनेस्ट्री के अंदर है, और कितना सुकून मिल रहा है, कितना शांति है। तो ये जो प्रेयर व्हील बनाया गया है वो इन द मेमोरी ऑफ मेरे दोस्त का है, जो वहाँ पे ग्लेशियर में शहीद हुआ था। तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। अभी बज चुके हैं शाम के 6 बजे, और अभी हमें जल्दी वापस ले में भी जाना है। तो देखते हैं कितने बजे हम पहुंचते हैं।